Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. मोहतरम सामईन इकराम, हाज़रीन मजलिस, दीनी मिल्ली भाइयों, काबिल एहतराम माओ और बहनों, सबसे पहले हर तरह की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई और बुजुर्गी, किबरियाए व हम्दोसना उस वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए लायक और ज़ेबा है कि जिसने इस कायनात में हम बंदों पर, हम इंसानों पर, हम मर्दों पर और औरतों पर उस अल्लाह ने अपनी नियामतों को उंडेल दिया है। व असबग अलैहि निअमहु ज़ाहिरतुन व बातिना, अल्लाह ने कहा बंदे मैंने अपनी ज़ाहिरी और बातनी दोनों नियामतें तुझ पर उंडेल दी हैं। एक बंदा अगर नियामत जानता ही ना हो, नियामत के बारे में शऊर ही ना हो, नियामतों के बारे में पता ही ना हो तो शुक्रगुजारी कैसे करेगा? उसको उसके बारे में अल्लाह का एहसान कैसे याद रहेगा? नियामतों का जब शऊर होता है, नियामतों के बारे में जब इल्म होता है तो उसी एतबार से बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शाकिर बंदा बन जाता है, शुक्रगुजार बंदा बन जाता है। जैसे एक अंधा आदमी हो, आप उससे जाकर पूछें आँख की अहमियत क्या है, एक गूंगा आदमी वो तो बोल भी नहीं पाएगा, उससे ज़हनी तौर पर कोई सवाल करे कि भाई आपको ज़ुबान दे दी जाए तो कितनी बड़ी नियामत है। एक बहरा आदमी, एक लंगड़ा आदमी, एक लूला आदमी, उससे आप जाकर के इन नियामतों के बारे में पूछेंगे तब पता चलेगा कि हाँ नियामत कितनी बड़ी चीज़ होती है जो अल्लाह ने हमें फ्री में दिया है। अल्लाह से हमने कुछ अप्लाई नहीं किया था कि हमारी नाक ऐसी हो, हमारे कान ऐसे हों, हमारे जुल्फ़ें ऐसी हों, हमारी स्टाइल ऐसी हो, कुछ हमने नहीं माना। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, उंडेल दिया अपनी नियामतों को। और नियामतों के देने का मकसद ये है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करे, ये मकसद है मेरे भाइयों। ये मकसद नहीं है कि नियामतें अल्लाह के ले करके बंदा अल्लाह की नाशुक्री करे। आपको अल्लाह ने ज़ुबान दी है, ज़ुबान में कुव्वत गोयाई दी है, आपको अल्लाह ने हाथ दिया है, हाथ में अल्लाह ने कुव्वत दी है, आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है, उसमें सोचने का मादा रखा है,
नियामतों के देने के बाद अल्लाह ने उसके इस्तेमाल का जरिया भी बताया है कि कौन सी नियामत कैसे इस्तेमाल की जाएगी और कहाँ इस्तेमाल की जाएगी। और दूसरी बात, अल्लाह ने हमें जितनी भी नियामत दी है, याद रखें आप, वो नियामतें अबदी नहीं हैं, हमेशा के लिए नियामतें नहीं मिली हैं। आपको जो भी नियामत अल्लाह ने दी है, ये नियामत हमेशा के लिए नहीं। भाइयों बहनें भी सुने, जो भी नियामत अल्लाह ने हमें दी है, चाहे वो माल हो, चाहे वो जमाल हो, चाहे वो कमाल हो, ये नियामत हमेशा के लिए नहीं है, वक्ती तौर पर अल्लाह ने दिया है। जैसे आप कुछ दिन तक जवान होते हैं, बाद में जवानी की नियामत छीन ली जाती है। कुछ दिन तक आप मालदार होते हैं, आपसे माल की नियामत छीन ली जाती है। कुछ दिन तक बंदे के अंदर कुव्वत होती है, बाद में वो कुव्वत छीन ली जाती है। जब जवान था तो जिस्म की हालत ये थी कि हर आज़ू काम करता था, हर आज़ू, हाथ भी बराबर काम कर रहा है, आंखें भी बराबर काम कर रही है, जुबान भी बराबर काम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे बंदे की उम्र ढलती है, वैसे वैसे अल्लाह उससे नियामतों को छीन लेता है। छीनता है ना भाइयों, ये बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं कि एक बंदा जिसको अल्लाह ने आंख दिया है, एक मुद्दत तक वो आंखें बराबर सही सालिम होती हैं, लेकिन एक दौर आता है कि बंदे की आंखों से बीनाई छीन ली जाती है, वो बराबर देख नहीं पाता है, वो बराबर चीजों को देख नहीं सकता है, उसके आंखों पर चश्मा आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बोलने की ताकत दी है, लेकिन उम्र में, एक उम्र में पहुंचने के बाद वो बात करने की ताकत भी बाज दफा सलब हो जाती है, छीन ली जाती है। एक इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म अता किया है, लेकिन एक उम्र तक पहुंचने के बाद ये जिस्म की कुव्वत भी छीन ली जाती है, बराबर उससे गिलास नहीं उठता है कि बराबर मुंह तक चला जाए, हाथों में थरथराहट आ जाती है, आती है ना भाई, आंखों पर चश्मा, जिस दांत से वो बोटी नोचता था, अब ज्यादा तेज नोचेगा ना तो जो दांत है वो भी बाहर आ जाएंगे, ऐसा मामला हो जाता है। बाल में जेल लगा के घूमता था, औरतों का मामला ये था कि जुल्फे लहराते हुए रोड पे दंदनाती थी, अब पूरे बाल सफेद हो जाते हैं, छीन ली जाती है। कई सारे लोग सोचते हैं कि किसी तरह बुढ़ापा छुपा रहे हैं, लेकिन कितना दिन तक, चंद दिनों तक, चंद दिनों तक बंदा छुपाता भी नहीं, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन हमेशा नहीं, आहिस्ता 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 पूरे बाल सफेद हो जाते। इस शुरुआत में तमहीद इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई कि बंदा अगर रब की नियामतों को पहचानेगा नहीं तो आखिर शुक्रगुजारी करेगा कैसे, कैसे उस बंदे में जज्बा पैदा होगा शुक्रगुजारी करने का, उसको पता ही नहीं है नियामत है। जिसको मालूम ही ना हो कि ये नियामत मुझे मिली है, वो कैसे अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करेगा। गर्ज ये कि अल्लाह ने हमें बहुत नियामतें दी हैं, और नियामतें देने का मकसद ये है कि बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह आपके सामने जो चंद बातें पेश की जाएंगी, वो कुछ हमारे ही इस्लाह की बातें होंगी, हमारे ही कुछ बिगाड़ की बातें होंगी जो हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया है कि कैसे इस्लाह किया जाए। आज नौजवानों का तबका, चाहे वो मर्द हो या औरतें, गलत राह को इख्तियार कर चुके हैं, गलत राहों पर जा रहे हैं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनके लिए वबाले जान बन चुका है। उनको जब हदीसे रसूल बताई जाती है तो
समझ में नहीं आता है। कई सारे लोगों की शिकायत भी होती है कि मौसम बहुत टफ बातें होती, नहीं समझ में आती है। समझने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा। एक बंदा आज दुनिया में ऐसा मुलव्विस हो चुका है कि उसे आखरत की फिक्र उसके जहन से निकल चुकी है, उसके जहन से अल्लाह का ख्याल, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी उसके जहन से निकल चुकी है। बंदा गौर नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूं, अपने अमल का वो एहतिसाब नहीं कर रहा है। हर रोज सुबह करता है, सुबह उठने के बाद उसका रूटीन बना हुआ है, मैं सुबह में उठूंगा। भाई बहन दोनों का रूटीन बना हुआ है, औरतों का आम मिजाज होता है सुबह उठेंगे, नाश्ता बनाएंगे, नाश्ता बनाने के बाद शोहर जी जॉब पे चले जाएंगे और हम घर में बैठ करके कुछ और काम करेंगे। आखिरत की किसी को फिक्र नहीं है, बहुत मुख्तसर लोगों को। जिनको बताया भी जाता है तो वो ध्यान नहीं देते, उनको उस बारे में थोड़ी भी फिक्र नहीं होती, उनको उस बारे में थोड़ा भी ख्याल नहीं होता है कि हाँ मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह के सामने मुझे अपने आमाल का हिसाब देना है, मुझे जिंदगी के एक एक पल के बारे में हिसाब देना है। किसी को एहसास नहीं होता। ये एहसास जिस बंदे में पैदा हो जाए वो बंदा अल्लाह का बरगजीदा बंदा होता है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, अल्लाह ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है। यही वो बंदा है कि जब इसकी रूह निकाली जाएगी तो फरिश्ते क्या कहेंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना, ऐ पाक रूह निकल। जिस बंदे की जिंदगी में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की खशियत हो, अल्लाह का डर हो, याद रखे जिसे अपने अमल के मुहासबे की फिक्र हो कि मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह के सामने। आज जैसे एक लड़का होता है जो कॉलेज में पढ़ता है बच्चा, वो अगर होमवर्क नहीं करता है तो बहाने तलाश कर लेता है। क्या बहाने तलाश करता है कि मेरी तबीयत खराब थी, थोड़ा सा बिजी हो गया था, या कुछ भी झूठ भी बोल देता है। याद रखें मेरे भाइयों और बहनें, अल्लाह के पास कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। वलौ अल्का माअज़ीरा, बंदा सोचेगा अल्लाह के पास कुछ उज्र पेश कर दे कि अल्लाह मैंने दाढ़ी इसलिए ना रखा ना क्योंकि लोग मुझे देख करके दूर भागते थे। नहीं, कोई बहन ये नहीं कह सकती है कि मेरे पास बच्चे बहुत थे, मैं बहुत बिजी रहती थी इसलिए नमाज में नहीं पढ़ी। कोई ये उज्र बयान नहीं कर सकता है कि मेरा टाइम नहीं पास होता था तो मैंने अपने शोहर को टीवी मंगवा ली थी, घर में बैठ के देखती थी। नहीं, उज्र वहां नहीं चलेगा, बहाना अल्लाह के पास कबूल नहीं किया जाएगा। वलौ अल्का पेश करेगा कबूल ही नहीं होगा। वहां जो कुछ बंदा किया होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। और इसी बात का तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर किया है। अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, मैं आपसे ही मुखातब हूं भाई और बहने। अल्लाह ईमान वालों को कह रहा है और हमें कोई फिक्र ही नहीं। बार बार अल्लाह ईमान वालों को तंबीह कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाहु अकबर। वलतंदुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, जब तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर अल्लाह की खशियत पैदा हो जाएगी तो तुम्हें आखरत की फिक्र भी हो जाएगी। जिसमें अल्लाह का खौफ नहीं उसे आखरत की फिक्र भी नहीं। वल्ला मेरे भाई, आप तज़िया करके अपना देख लें, जो बंदा मुत्तकी होता है वो आखरत की फिक्र करता है, जो बंदा मुत्तकी नहीं होता है उसका जो नेटवर्क है ना मोबाइल का, वो सिर्फ चंद दिनों में आता है,
जैसे हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं इसमें नेटवर्क सिस्टम होता है, तो हमारे अंदर भी कुछ नेटवर्क सिस्टम है। रमज़ान में हमारा नेटवर्क एकदम फुल रहता है, लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म होता है हमारे अंदर का नेटवर्क गायब, मतलब तकवा गायब हो जाता है। फिर कभी कभी आता है, मौका महल के एतबार से आता है, कभी जुमा को आ गया, कभी ईद के दिन आ गया, कभी बकरा ईद के दिन आ गया। ये आज के दौर के मुत्तकी लोग हैं जो अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम क्या हैं, मोमिन हैं, मुत्तकी हैं। नहीं, अल्लाह को ऐसा तकवा नहीं पसंद है। अल्लाह को कैसा तकवा पसंद है? इत्तकिल्लाह हैतुमा कुंत। बंदे तू दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, कहीं पर भी रहे। जो बंदा मुत्तकी होगा उसे आखरत की फिक्र होगी, जो बंदा मुत्तकी नहीं होगा उसे आखरत की फिक्र नहीं हो सकती है। अब तकवा आएगा कैसे? हर कोई शख्स कोशिश करता मेरे अंदर तकवा आ जाए, तो बाज दफा वो तकवे वाला लिबास पहनता है, टोपी भी लगाता है, नमाज भी पढ़ता है, बहुत कोशिश करता आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं आता है। क्यों? उसे मालूम ही नहीं तकवा कहते किसे, उसे मालूम ही नहीं कि बंदा मुत्तकी बनेगा कैसे, कौन सी वो सिफतें पैदा हो जाए जिसकी बिना पर बंदा मुत्तकी बन जाएगा, नहीं मालूम उसको। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला ने बयान फरमाते हैं कि जिस बंदे में तीन चीजें हों, अपना हम जायजा लें, बहनें भी अपना जायजा लें, जिस बंदे में तीन बातें हों वो बंदा हो सकता है मुत्तकी हो, लेकिन जिसके अंदर ये तीन बातें ना हो बहुत मुश्किल है। गरचे वो नमाज पढ़ रहा हो, गरचे वो रोजा रख रहा हो, गरचे वो जकात भी दे रहा हो, सदकात भी रहा हो, दे रहा हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। तीन चीजें क्या मैं बता रहा हूं, सुने उसके बाद अपना हम जायजा लें। पहली चीज, बंदा अपनी जिंदगी का जायजा ले कि वो अल्लाह के हुक्मों की फरमा बरदारी करता है या ना फरमानी करता है। अयुता फला युसा। मुत्तकी आदमी की पहचान ये होती है कि वो अल्लाह के हुक्मों की फरमा बरदारी करता है। हम अपना जायजा ले लें, हम फरमा बरदारी करते हैं या ना फरमानी करते हैं। अयुता फला युसा, अल्लाह की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए। जिस चीज में भी अल्लाह ने इताअत का हुक्म दिया है वो चीज हमें पसंद हो या ना पसंद हो उसे मानना है, इनकार नहीं करना है। कितने सारे लोगों को जब कोई चीज पसंद नहीं आती तो इनकार कर देते हैं। जैसे बहुत सारी बहनें हैं, उन्हें हिजाब पहनना अच्छा नहीं लगता है, बोलते क्या हिजाब, जबरदस्ती अल्लाह ने डाल दिया है शायद। जो चीज उसके मिजाज के मुताबिक नहीं होती है बंदा उसका इनकार कर देता है। तो ये चीज अगर हमारे अंदर पैदा होगी कि हम अल्लाह के हुक्मों के ताबे, अल्लाह के फरमान की इताअत करने वाले होंगे, इनकार नहीं करेंगे, तब हमारे अंदर तकवा आएगा। दो, अयुदकर, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए। हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, हमें कितना अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद आती है। सुबह से शाम तक बिजनेस में हम मुलव्विस होते हैं, कई सारे भाई जॉब करते हैं, कई सारे लोग काम में मुलव्विस होते हैं, घर में बाहर बहनें खाना बनाने में मुलव्विस होती हैं। हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, हमें अल्लाह की याद कितनी बार आती है, कितनी बार याद आती है। अयुदकर, अल्लाह को याद किया जाए। फला युनसा, उसे भुलाया ना जाए। जो अल्लाह को भूल गया वो सबको भूल गया, जिसने अल्लाह को याद रखा उसने सबको याद रखा। तो अपने दिल में आप टटोल कर देखें आपको किसकी याद ज्यादा आती है, सोच लें आप किसकी याद ज्यादा आती है। जैसे हर शख्स जब सुबह बेदार होता है तो उसकी अलग अलग कोशिश होती है,
इन सायकुम लशत्ता, अल्लाह ने कहा तुम में से हर एक की कोशिश अलग अलग होती है, हर शख्स का प्लान, हर शख्स की मेंटेलिटी अलग अलग, आज मुझे ये करना है, आज मुझे उसको धोखा देना है, आज मुझे उससे मिलना है, सबका प्लान अलग अलग होता है। एक आलिम की कोशिश होती है कि फुला जी के मुझे दर्स देना है, फुला किताब मुझे पढ़ानी है, सबकी कोशिश अलग अलग है। हमारी कोशिश किस चीज के पीछे अपना हम जायजा है, आई युद्ध करा उसको याद किया जाए, फला युनसा उसको भुलाया ना जाए। लेकिन आज हमारे नौजवान भाई और बहनें कुछ बिगड़ चुके हैं, इतना बिगड़ चुके हैं कि जैसी नींद से बेदार होते हैं सबसे पहले जिस चीज की याद आती है वो मोबाइल। व्हाट्सएप पे कितने एसएमएस आए हैं देखो, जरा चेक करो तो एसएमएस चेक करता है, फिर उसी वक्त फेसबुक ऑन करता है, कितने लोगों ने मेरे फोटो पर कमेंट किया है, कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया है, ये चेक करता है। इसीलिए आप देखते 3 बजे 4 बजे 5 बजे भी ऑनलाइन दिखाता है, वो कहां से ऑनलाइन दिखा रहा है, उसकी पूरी जिंदगी वहां से जुड़ चुकी है। मैं फेसबुक की बुराई नहीं बयान करूं, मैं ये कह रहा हूं कि बंदा अपनी जिंदगी में सब कुछ उसी को बना ले कि सोकर उठने के बाद दुआ भूल गया, नमाज भूल गया, उसको मोबाइल याद है, सब याद है। कितने लोगों का एसएमएस रात में, हो सकता महबूबा नाराज हो गई हो, उसको एसएमएस करके डाला था, हो सकता सुबह राजी हो गई हो, चेक करता है। अल्लाह की याद बहुत जरूरी है। नंबर 3, अयुशकरा फला युकफर, अल्लाह की शुक्रगुजारी की जाए, उसकी नाशुक्री ना की जाए। उसने जो नियामतें दी हैं उन नियामतों की शुक्रगुजारी बंदा अगर कर रहा है, याद रखे वो मुत्तकी बंदा है। तो खुलासतन 3 बातें, 1, बंदा अल्लाह की इताअत करता हो नाफरमानी ना करता हो, 2, वो अल्लाह को याद करता हो अल्लाह को भूलता ना हो, 3, अल्लाह की शुक्रगुजारी करता हो कभी ना शुक्रिया ना करता हो। ये 3 चीजें अगर हमारे अंदर हैं तब तो हम मुत्तकी हैं, वरना आप जहर खा करके खुश ना रहे मैं मोटा हो रहा हूं, आपको ये चीजें पैदा करनी पड़ेंगी। कई सारे लोग सोचते हैं मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, नहीं, ये 3 चीजें पहले अपने अंदर पैदा करें, और 3 चीजें बहुत मुश्किल है मेरे भाई, इतनी मुश्किल चीजें कि बंदा वाकई मानों में अगर इन 3 चीजों के ताबे बन जाए उसकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक्वा, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए अल्लाह से डरो, वल तंदुरु नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, अब बंदा मुत्तकी बन गया तो उसे फिक्र किस बात की होनी चाहिए, कल की, उसे फिक्र भी होगी तो किस बात की, कल की फिक्र होगी, कल से मुराद कयामत का दिन, कल से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेशगी का दिन कि मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है। जैसे बंदे को फिक्र होती कल मेरी बेटी की शादी करनी है, कल मुझे इंटरव्यू देने जाना है, रात में तैयारी करता है ना, बराबर जाकर के दाढ़ी वाड़ी भी बना लेता है, सुबह कहाँ जाना है इंटरव्यू के लिए जाना है, कितनी तैयारी से जाता है, 2-4 दोस्तों से फोन करके भी पूछता है कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, इतनी फिक्र है। लेकिन अल्लाह के सामने उसे जाना कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह के सामने पेश होना है, उसे एक कतरा भी फिक्र नहीं है, थोड़ी भी फिक्र नहीं है। वल तंदुरु नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, बंदे कल जब तू अल्लाह के सामने पेश होगा, अल्लाह के सामने तेरा हिसाब व किताब होगा, अल्लाह के सामने तेरे राजों को खोल दिया जाएगा, यौम तुबल सराइर, कयामत के दिन जितनी बातें हमारी पोशीदा है ना, जो छुपा छुपा के हम रखे हैं, वो सब बातें वाजे हो जाएंगी, सब राज सब भेद खुलकर सामने आ जाएंगे। उस दिन की बंदा फिक्र करे कि मैं अल्लाह के पास जब जाऊंगा, तराजू कायम होगा, अब तराजू कायम होने के बाद मुझे बुलाया जाएगा, ऐ फुला बंदा इधर आ, आएगा वो बंदा, इसकी नेकियां तौली जाएं, उसकी नेकियों को तौला जाएगा, अल्लाहु अकबर,
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کا ترازو بھاری پڑ گیا, نیکیوں کا ترازو وزنی ہو گیا, نیکیوں کا ترازو اللہ رب العزت کے سامنے تولا گیا اور بھاری پڑ گیا, اللہ اس کو کیا کہے گا؟ جا تو جنت میں جا, اس کو جنت کا پروانہ مل جائے گا, اس کو جنت کی خوشخبری ملے گی, اس کو جنت مل جائے گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ, لیکن جس کا ترازو ہلکا پڑ گیا اس کے دوست اس کے کام نہیں آئیں گے, اس کی بیوی اس کے کام نہیں آئیں گی, اس کے اماں ابا اس کے کام نہیں آئیں گے, اس کے قریبی بہت زیادہ قریبی دوست بھی کام نہیں آئیں گے, کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر, کسی کا کوئی کام نہیں آنے والا ہے. اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کا ترازو ہلکا پڑ گیا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اٹھا کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. وہاں پر تو چٹنگ کا سسٹم بھی نہیں ہوگا نا بھائی, کہ جیسے دنیا میں ایک بندہ ہوتا ہے کبھی کبھار وزن کرتے کرتے کانٹا بھی مار دیتا ہے, وہاں کانٹا مارنے کا سسٹم نہیں ہوگا کیونکہ نظام اللہ کا وہاں پر ہوگا. یہاں پر بندہ زیادہ کے چکر میں جھوٹ بول دیتا ہے, مکاریاں کر لیتا ہے, کبھی وزن کرتے وقت اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے, وہاں پر نیکیوں کو تولا جائے گا برائیوں کو تولا جائے گا. ہم کیا کر رہے ہیں بتانا یہ کہ کیا کر رہے ہیں, دنیا کے لوگوں کی حالت کیا ہے, دنیا کے لوگ اس چیز کو چھوڑ کر کے ایک نئی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دنیا کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جو پیشی والا معاملہ ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے, کسی کو اگر کہیں سے فون آئے کہ بھائی پولیس چوکی میں آ کر ملو, ڈر جاتا ہے, کیا ہو گیا بھائی, کچھ ہوا ہے, اور خصوصی طور پر اگر اے ٹی ایس کا فون آ جائے تو پھر تو اس کی حالت ہی خراب ہو جائے گی. اے ٹی ایس جو خصوصی طور پر ٹیررزم والا معاملہ ہوتا ہے, یہ اگر کال ہو جائے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ایک پولیس والے کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنا ڈر رہا ہے, لیکن اللہ کے سامنے جب اعمال پیش کیے جائیں گے وہاں کی فکر کتنی ہے؟ کچھ فکر نہیں ہے. بندہ دنیا میں ملوث ہے, دنیا کی رنگینیوں میں, دنیا کی آشائش میں, دنیا کے لذتوں میں پڑا رہ کر کے جیسا جیسا دنیا والوں کو دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے, جبکہ اللہ نے اس سے منع کیا تھا. جو آیت کریمہ میں نے پڑھا اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اے لوگو تم اللہ کو ہرگز نہ بھلانا, اللہ کو ہرگز نہ بھلانا. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم ویسے نہ ہو جانا جیسا کہ پہلے کے لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. ہم سے پہلے دو قومیں گزری جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بار بار کیا ہے, وہ کون سی دو قومیں ہیں پتہ ہے ہمیں؟ دو قومیں, ہر نماز میں ہم ان کے تعلق سے تذکرہ کرتے ہیں. دو قومیں جو برباد ہو گئیں, جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا, کون سی قومیں ہیں؟ یہود, دوسرے نصارہ. یہ دو قومیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بار بار کیا ہے, یہاں تک کہ میرے بھائی اور بہنیں ہر نماز میں, نماز کی کوئی ایک رکعت ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں آپ ان قوموں کے بارے میں بد دعا نہ کریں, ہر نماز میں. لیکن بندے کی حالت یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا تھا, جس چیز سے اللہ رب العزت نے دور رہنے کے لیے کہا تھا, آج ایک انسان انہی کا روش, انہی کا طریقہ, انہی کی سوچ, انہی کی تمدن, انہی کی مشابہت, انہی کے خیالات, انہی کا لباس, انہی کا طور طریقہ اپنی زندگی میں لے آیا ہے. کسی کو کہا جاتا تو اس کو برا لگتا ہے کہ مولانا صاحب پرانی باتیں بتاتے ہیں, کسی کو منع کیا جاتا ہے آپ ایسا کام نہ کریں, یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے, تو اس سے دشمنی کر لی جاتی ہے, اس کی باتوں کو نہیں سنا جاتا ہے, اس کے بارے میں دھیان نہیں دیا جاتا ہے.
वला तकूनु कल्लदीन नसुल्लाह, अल्लाह ने कहा पहले के लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। हमने उनको किताब दिया था, हमने उनके दरमियान नबी भेजा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को भुला दिया। फअनसाहुम अनफुसहुम, एक बंदा जब अल्लाह को भुलाएगा अपने बारे में भूल जाएगा। गुज़िश्ता कौमों की हालत ये थी कि उन्होंने अल्लाह को बुलाया तो अपने बारे में भूल गए। आज के मुसलमानों की भी हालत यही है कि लोग अल्लाह को भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? कि उन्होंने अल्लाह की किताब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने क्या बातें कही हैं उसके बारे में किसी को ख्याल ही नहीं, कुछ भी ख्याल नहीं, भूल चुके हैं। आज हमारी उम्मत में जो बेहयाई, जो बेपरदगी, जो फहाशी, जो उरियानियत, जो मुशाबहत पाई जाती है, ये कहाँ से आई है? ये सब के सब यहूद नसारा से आई है। उन्हीं चीजों में से एक क्या है, नए साल के मौके पर जश्न मनाना। जब नया साल आए तो बाज हमारे जवानों का ये मानना है, खुसूसी तौर पर कुफार का, काफिरों का क्या मानना है कि नए साल का इस्तकबाल खुशी से करो। तो लोगों के यहाँ खुशी क्या मानी जाती है? लोगों के यहाँ खुशी ये है ढोल बजाओ, शराब पियो, लड़कियाँ घुमाओ, ये लोगों की खुशी है। शरीयत में खुशी इसको नहीं कहा गया है, ये सब गुनाह के काम। खुशी के अंदाज में लोगों ने ये काम किया कि उम्मत का एक बड़ा तबका इस चीज के अंदर मुलव्वस हो गया। शरीयत ने इसको हरामकारी कहा है, शरीयत ने इसको फहाशी से तशबीह दिया है कि ये चीजें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं, ये काम करने की बिना पर इंसान की जिंदगी तबाह हो सकती है। और जो जो बुराइयां इन यहूदियों ने, इन नसरानियों ने इस दुनिया में फैलाया, आज उम्मत में बहुत सारे लोग मुलव्वस हो चुके हैं। ऐसा हो सकता है मेरे भाइयों आप में भी बुराइयां हों, ऐसा हो सकता है हमारे बच्चों में, हमारी बीवी में, हमारे घरों में बाहर देखने के बजाय अपने गिरेबान का जायज़ा लें कि हमारे अंदर यहूदियत, नसरानियत आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। अभी मिसालों के जरिए बताने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया जिसे हमेशा हम पढ़ते रहते हैं, अल्लाह ने क्या कहा, बंदा अल्लाह से दुआ करे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब हमें सीधे रास्ते पर चला। हर नमाज में दुआ कर रहा है लेकिन रास्ता तो सीधा है ही नहीं, रास्ता तो सब फिल्मों वाला है, रास्ता तो सब यहूदियों का अपनाए हुए है। अल्लाह से दुआ क्या कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर नमाज में बंदा दुआ करेगा अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, लेकिन पता भी चलना चाहिए ना सीधा रास्ता है कौन सा। यहूदियों का रास्ता सीधा रास्ता नहीं, नसरानियों का रास्ता सीधा रास्ता नहीं, रास्ता वो सीधा है जिसे अल्लाह के रसूल ने सीधा बताया है। वअन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, अल्लाह के रसूल कह रहे मेरा ही सीधा रास्ता है तो तुम इसी रास्ते पर चलो, उस रास्ते से तुम भटकने की कोशिश ना करो। नमाज में हर बंदा ये दुआ करता है अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐसे लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, अंबिया के रास्ते पर, सालिहीन के रास्ते पर, सिद्दीकीन के रास्ते पर, शहदा के रास्ते पर चला। ऐसे लोगों के रास्ते पर न चला, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह ऐसे लोगों के रास्ते पर न चला। हर नमाज में भाई न चला ऐसे लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गुस्सा हुआ, जिन पर तेरा गजब हुआ, अल्लाह मत चला ऐसे लोगों के रास्ते पर। वलद्दालीन, और जो लोग भटक गए, जो लोग गुमराह हो गए, ऐसे लोगों के रास्ते पर भी ना चला। लेकिन उम्मत, उम्मत मुहम्मदिया आज इन्हीं दोनों के रास्ते
रास्तों को अपनाते हुए बैठी हुई। क्यों? वो सोचेगा आखिर क्यों? क्योंकि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशगी तौर पर अपनी जिंदगी में ही ये बात की पेशीन गोई की थी। नबी ने एक पेशीन गोई की थी, अल्लाहु अकबर, वो पेशीन गोई आज साबित आ रही है। क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने, लततबिउन सनन मन कान कब्लकुम, तुम जरूर बिजरूर पहले के लोगों की इत्तेबा करोगे। पहले के लोग कौन? यहूद और नसारा। और दोनों जो मैंने बताया, और दोनों से मुराद यहूद और नसारा है, मगजूब से मुराद यहूद और दुल्लान कौन थे? ये नसारा। तो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, लततबिउन्ना सनन मन कान कब्लकुम, तुम जरूर बिजरूर पहले के लोगों की इत्तबा करोगे। शिब्रम बिशिब्रिन व दिराम बिदिरा, बालिश बालिश हाथ हाथ, कदम ब कदम तुम वैसा ही करोगे। तो सहाबा हैरान हो गए, यहां तक कि नबी ने कह दिया हत्ता लौ दखलु जोहरा दबिन लदखलतुमु, यहां तक कि अगर कोई यहूद या नसारा किसी गोह के सुराख में दाखिल हुआ होगा, गोह एक किस्म का जानवर होता है जो आमतौर से रेगिस्तान में पाया जाता है, वो अगर किसी सुराख में दाखिल होगा तो तुम भी दाखिल हो जाओगे। साहबा कहते हैं हमने अल्लाह के रसूल से कहा, कुलना अल यहूद व नसारा, साहबा कहते हैं हमने अल्लाह के रसूल से कहा, ए अल्लाह के रसूल क्या इससे मुराद यहूद व नसारा है? अल्लाह के रसूल ने कहा फमन, तो और कौन? तुम जरूर भी जरूर वैसा करोगे जैसा उन्होंने किया है। और तबरानी वगैरह की हदीस के अंदर है कि यहां तक कि अगर उन्होंने अपनी मां के साथ जिना भी किया होगा तुम भी करोगे। उम्मत में है आज, मैं कितनी मिसालें दे सकता हूं मेरे भाई, कि जो यहूदियों ने किया था आज हमारी उम्मत में, हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो बुराइयां है, हमारे अंदर वो बुराइयां पाई जाती हैं। बंदा उस बुराई में मुलव्विस है मगर उसे एहसास नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को तज़य्युन करने से मना किया है। क्यों मना किया है? मना इसलिए किया है कि यह आदत आम तौर से यहूदियों की थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मस्जिद को आप भंगार बना के रखें, कबाड़ खाना बना के रखें। तज़य्युन से मुराद आप ऐसा ना बना दें कि दुल्हन बन जाए। आप मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए तो टाइल्स देखते देखते आपकी नमाज ही गायब हो जाए, ऐसा ना हो। मस्जिद में तज़य्युन करने से अल्लाह ने क्या कहा, मा उमिरतु बितश्यीदिल मसाजिद, मैं तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं देता हूं कि तुम मस्जिदों में कशीदाकारी करो। इब्ने अब्बास इस हदीस की तशरीह में कहते हैं कि नबी का ये हुक्म असल में ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना जो किया वो ये है कि तुम मस्जिदों को इतना ज्यादा बनाओ सिंगार ना करो जिस तरह यहूदियों ने नसारियों ने किया था, कमा जखरफतिल यहूद व नसारा, जैसा कि यहूद व नसारा ने किया था। नबी ने इससे भी मना कर दिया। और आज यही आलम है, मस्जिदें बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं मगर नमाजी नजर नहीं आते हैं। नमाजियों को फिक्र क्या है? नमाजियों को फिक्र है जश्न मनाने की, खुशी मनाने की, उसको जिंदगी के अंदर मजा चाहिए। जिस बयान में उसको मजा नहीं आता है वो बोलता थोड़ा बोरियत वाला मजा था, आज बयान में मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमें दीन से दिलचस्पी नहीं, दीन से हमारी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। इसलिए हदीसें हम सुनते हैं ना, असरदार नहीं होती है हमारे लिए। वही हदीसें सहाबा सुनते थे, रोंगटे उनके खड़े होते थे, हम सुनते हैं कुछ असर ही नहीं होता, कुछ एहसास ही नहीं होता है। तो जैसा पहले के लोगों ने किया था, नबी ने कहा मेरी उम्मत जरूर भी जरूर करेगी। अब अगर कोई बंदा
वो ऐसा ही करेगा जैसा यहूद और नसारा ने किया। अंजाम क्या होगा देखें आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है कि जो बंदा यहूद और नसारा की इत्तेबा करेगा, यहूद और नसारा की पैरवी करेगा, अंजाम सुने। अल्लाह ने क्या कहा, वलन तर्द अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि ए लोगो यहूदो नसारा तुमसे राजी हो ही नहीं सकते। लन तर्दा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहूद और नसारा तुमसे राजी हो जाए। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहां तक कि आप यहूद और नसारा की इत्तेबा करने लगे। अल्लाहु अकबर। आप गौर करें इस आयत करीमा पर, यानी यहूद और नसारा की ख्वाहिश ये है कि हम भी यहूदी बन जाएं, हम भी नसारा बन जाएं। ये आयत कब नाजिल हुई? नबी के जमाने में। क्योंकि ये यहूद और नसारा जो थे, सूरतुल बकरा की आयत है और सूरतुल बकरा मदनी है, तो सहाबा से आकर लोग क्या कहते थे, अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नसारा थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ये लोग चाहते हैं आपको यहूदी बना दें, ये लोग चाहते हैं आपको नसारा बना दें। ऐ नबी आप सुने, ऐ सहाबे कराम, ऐ दुनिया के लोगों गौर से सुनो। कुल इन्नहुदल्लाहि हुवल हुदा, हिदायत यहूदियों के पास नहीं है, वो तो गुमराह हो चुके हैं। हिदायत नसरानियों के पास नहीं है, इसलिए कोई क्रिश्चियन आपको दावत देने आए तो आप बता दे भाई हिदायत इस्लाम में है, नसरानियत में नहीं है। नसरानियत में हिदायत नहीं हो सकती है। कितने सारे लोग मेरे भाई आज जो अपने इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं, कितने सारे क्रिश्चियन उनको अपने दीन के बारे में बता करके अपने मजहब में दाखिल कर लेते हैं। वल्लाह एक तो आकर के मुसलमान था, धमकी दे रहा था कि कुछ लोग मुझे आकर के कह रहे हैं कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। इस तरह के ऑफर्स होते हैं वल्लाह। वो अपने दीन की तबलीग कर रहे हैं, मुसलमान को कोई फिक्र ही नहीं, जबकि उसके पास हिदायत है ही नहीं। अल्लाह ने कहा हिदायत किसके पास है, कुल इन्नहु दल्लाहु वल हुदा, हिदायत सिर्फ अल्लाह की हिदायत है। और ए मुसलमानों सुन लो, इसके बावजूद भी अगर तुमने यहूदियों की नसरानियों की इत्तबा की, वला इन इत्तबाता, उसके बावजूद भी जो बंदा यहूद नसारा की इत्तबा करेगा, बाद अल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, कुरान के आने के बाद, इल्म के आ जाने के बाद, मा लका मिनल्लाहि मिन वलीयुन वला नसीर, तो वो कयामत के दिन अपना किसी को मददगार ना पाएगा, उसकी मदद नहीं की जाएगी। आज आप अपने बारे में सोच ले मेरे भाई, कितनी सारी चीजें आज हमारे अंदर हैं जो दिली तौर पर हम मान चुके हैं हाँ ये चीज सही है, कितनी सारी चीजों को हम मान चुके हैं कि हाँ ये चीज ऐसा होना चाहिए। ये मेंटालिटी किसने दिया, ये मिजाज किसने दिया, ये मिजाज कहां से आया, यहूदियों की तरफ से आया। मिसाल के तौर पर आज कुछ लोगों को जब सूद से मना करो, हमारे उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह भी बयान करेंगे आपके मेरे खिताब के बाद, सूद से जब किसी को मना करो तो उसके जहन में बैठ चुका है, क्या बैठ चुका है, अरे सूद लिए बगैर मेरा छुटकारा कहाँ है, तो रास्ते तलाश करता है, मैं घर कैसे लूंगा, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, मेरी हयात कैसे दुनिया में गुजरेगी। उसके पास पचासों बहाने होते। एक औरत को हिजाब के बारे में कहा जाए तो शैतान उसके दिल में वसवसा डालता है, बाज दफा मीडिया आकर के वसवसा डालती है कि तू इतनी खूबसूरत है, तू इतनी अच्छी है, तुझे तो आजादी मिलनी चाहिए, ये आजादी का डंका किसने पीटा, इसी मीडिया ने। और मीडिया आया कहां से, यहूदियों की तरफ से, कि यहूदियों ने इस्लाम पर ताना कशी करते हुए ये कोशिश की कि पूरे औरतों को बेहया बना दिया जाए। बड़ा आसान तरीका मुसलमानों को बर्बाद करने का, औरतों को बेहया बना दो। और अल्लाहु अकबर, इस मीडिया के जरिए हमारे उम्मत में जो बर्बादी आई,
جس کی کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا معاملہ ہو گیا ہماری امت کے اندر. جو بندہ یہود و نصارہ کی اتباع کرے گا اللہ نے کہا ایسا بندہ اس کی مدد نہیں کی جائے گی. اور آگے کیا اللہ کا سنیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس کسی قوم نے کسی کی مشابہت اختیار کی, کسی کی کاپی کیا. کاپی جیسے 25 دسمبر کو کیا ہوتا ہے بتائیں, کیا ہوا تھا ابھی, ہیپی کرسمس منایا گیا نا. جس کسی قوم نے کسی کی مشابہت اختیار کی فہو منہم, تو وہ انہی میں سے. آج بچوں کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے, یہ کس کی دین ہے, یہودیوں کی بھائی. آپ کو نہیں پتا ہے, آپ تو خوشی خوشی کیک کاٹ کے کھا لیتے ہیں, کہتے کیک کاٹ کر تو صرف کھائیں اور کیا کیے. جو کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے یاد رکھے اسی میں سے ہے, وہ انہی میں سے. آج مسلمان شادی بیاہ میں لین دین کا معاملہ جو ہوتا ہے, ناجائز جو رسومات ہوتے ہیں عبادتی معاملات میں, آدابی معاملات میں, کتنے ساری چیزوں کے اندر غیروں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں. واللہ میرے بھائی بہت ساری چیزوں کے اندر آپ مثالوں سے دیکھیں, عقائدی طور پر کتنے سارے مسلمان جو عقیدہ یہود و نصارہ کا تھا وہی عقیدہ آج ہماری امت کے اندر چند مسلمانوں کا ہو گیا ہے. جیسے یہودیوں کی خصوصی یہ عادت تھی, نصرانیوں کی خصوصی یہ عادت تھی کہ وہ انبیاء کے مقام کو اتنا بڑھا دیتے تھے, اتنا بڑھا دیتے تھے کہ نصرانیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا, یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے, نصرانیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, اللہ کے رسول نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, اے لوگو تم مجھے ویسا نہ بڑھانا جیسا یہودیوں نے, جیسا نصرانیوں نے اپنے انبیاء کو اوپر لے جا کر کے بٹھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے, عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا, مگر ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. آج کے مسلمانوں نے بھی یہی حرکت کی, کی نا میرے بھائی. بیٹا ایک الگ چیز, ڈائریکٹ نور بنا ڈالا, جبکہ نبی نے کہا کیا تھا, قولو فانما انا عبدو, اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, نبی کیا کہہ رہے میں بندہ ہوں. لیکن مسلمان زبردستی یہودیوں کے روش پر چلتے ہوئے وہی عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں جو یہودیوں کا تھا. کیا کہہ رہا ہے, نور من نور اللہ نعوذ باللہ, فقول عبداللہ ورسولو, مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کو. تو یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ انبیاء کی شان میں غلو کرتے تھے. یہی برائی آج ہماری امت کے اندر آ گئی کہ جو ولی ہوتا ہے اس کو اللہ بنا دیتے ہیں, جو نبی ہوتا ہے اس کو بھی اللہ بنا دیتے ہیں, جو تھوڑا بہت دعا کرنے والا بابا ہوتا ہے اس کو اللہ سمجھ لیتے ہیں. یہی ہماری امت کی حالت, ٹو کاپی ہماری امت کی حالت یہ. دوسری کیا برائی تھی یہودیوں میں دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اپنے مرض الموت کے اندر. آپ کبھی کبھار اپنا چہرہ ڈھک رہے تھے, کبھی کھول رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى, لعن اللہ الیہود والنصارى, نبی لعنت کر رہے ہیں, عین ٹائم پہ لعنت کر رہے ہیں, اپنے مرض الموت میں لعنت کر رہے ہیں, آخری وقت میں لعنت کر رہے ہیں. یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. انہوں نے کیا کیا تھا, انبیاء کی قبروں کو بنایا تھا. اور آج کس کو بنایا جا رہا ہے, انبیاء غلطی کرتے ہیں میرے بھائیوں, انبیاء سے غلطی ہوتی ہے نہیں. یہودیوں نے نصرانیوں نے
अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया जिसकी बिना पर अल्लाह के रसूल ने उन पर लानत की। आज का मुसलमान पता नहीं किसकी कब्र है, अंदर कोई है भी कि नहीं है, उसकी कब्र को सजदागाह बना रहा है। कहां से आया? यहूदियों से आया, टू कॉपी वही आ गया। इत्तखदू कुबूर अंबियाएहिम मसाजिदा, कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। पता चला किसी नबी के कब्र को भी सजदा करना गलत है। आज तो वलियों की कब्रों को हो रहा ना उसबिल्ला, और ये भी पता नहीं वली है कि नहीं। लानत फरमाई है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लानत की है उन यहूदियों पर। लेकिन उसी रविश पर चलने वाले आज हमारे कुछ मुसलमान पाए जाते हैं। और नसरानियों ने क्या किया? नसरानियों ने एक नई बिदात ईजाद कर ली। क्या बिदात ईजाद की? इन्होंने कहा जिसको अल्लाह तक पहुंचना है ना, उसको शादी बियाह ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये ईसाइयों की देन है। जो हमारे माशरे में सूफी के नाम से जाने जाते हैं ना, उनका भी कुछ इसी तरह मानना होता है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए शादी बियाह ये सब रुकावट है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? ऐ लोगो, तुम ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली औरत से निकाह करो, क्योंकि मैं तुम्हें कयामत के दिन कसीर तादाद में देखना चाहता हूं। वही बिदात आज हमारे उम्मत में आम हो गई कि चंद लोगों ने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। कहा हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ना हम शादी करेंगे ना हम ब्याह करेंगे, अलग अलग रहेंगे। ये बिदात कहां से आई? नसरानियों से आई। तीन चीजें, इबादत में क्या क्या मामला हुआ। अजान जो हम देते हैं ना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो अजान का मामला था कि भाई मुसलमानों को कैसे जमा किया जाए अजान के लिए और नमाज के लिए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मशवरा दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मशवरा ये दिया गया कि एक आला होता है जो खसूसी तौर पर यहूदी बजाते हैं, जब उसका नाम दिया गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, वो शब्बूरुल यहूद है, उसे यहूद इस्तेमाल करते हैं, उसे हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां जहां पर भी यहूदियों का नाम आया अल्लाह के रसूल ने खुसूसी तौर पर मना किया, नहीं हम ये नहीं कर सकते। जो काम यहूदी करता हो उसे नहीं कर सकते। यहां तक कि तहवील किबला भी हुआ। क्यों? यहूदी लोग ताना देते थे मुसलमानों को। ताना किस बात का? अरे किबला तो हमारा है ना, किबला हमारा है, बैतुल मक़दिस हमारा है,